मुझे अपने समक्ष बोलने की अनुमति दी, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम गौतम कुमार है, मैं बिहार का निवासी हूँ। मैंने अपना स्नातक गणित विषय में की है। सर मेरा प्रश्न यह है कि इंटरव्यू में शब्दों पर हम सॉरी किस प्रकार से उनके समक्ष बोलने की कोशिश करें। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो यह है कि आपको परिष्कृत हिंदी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल रोजमर्रा की भाषा का इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शशि थरूर की लैंग्वेज बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल अंग्रेजी की कीजिए। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी थी, बड़ी सिंपल इंग्लिश लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, बहुत ही सिंपल इंग्लिश लिखी थी। तो आपको बिल्कुल रोजमर्रा की साधारण भाषा का इस्तेमाल करना आवश्यक है, कोई जरूरत नहीं परिष्कृत हिंदी का। नंबर दो, जरूरी नहीं है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। अब मान लीजिए अगर आपको 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मली मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है वो 30 सेकंड से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड का आंसर काफी होता है। तो अगर हम उसको भी मान लें तो 30 सेकंड और 15 सेकंड, उसको 10 या 15 सेकंड प्रश्न पूछने मिलेंगे और 30 सेकंड आपने, तो भी आप इजीली एक इंटरव्यू में जो 20 से 25 मिनट होता है उसमें 15 क्वेश्चन तो बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं। तो आपने अगर इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे भी हुए जिनका उत्तर देने की आपकी क्षमता नहीं है, तो आप ब्लफ नहीं करें, आप बिल्कुल ईमानदारी कर सकते हैं कि सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और कोई इसको आपके विपरीत नहीं लेगा। इसी के अलावा अगर मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर देने में आपको लगता है कि आप उसका एक हिस्सा बन सकते हैं, हिस्सा आपको मालूम है, पार्ट मालूम है, तो आप पार्ट आंसर दे दीजिए और कह दीजिए कि सर मुझे इतना ही मालूम है, इसके आगे मुझे नहीं मालूम। तो जिसके बारे में आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है वो तो दीजिए, उसके बाद आप कह सकते हैं बस इतना ही उसके बारे में, कोई आपके खिलाफ नहीं लेगा। और 2-3 प्रश्न अगर आप इग्नोर भी करना पड़ेगा कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम है, कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इतने प्रश्न आप उत्तर देंगे इतने प्रश्न जो है आप नहीं देंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा आप सब लोग, और मैं बड़े ही आपसे विनम्रता से कहना चाहूँगा, जो आखिरी प्रश्न होता है ना, आखिरी प्रश्न कोशिश कीजिए उसका जवाब बहुत अच्छा जवाब दें, क्योंकि उसके तुरंत बाद आप बाहर जाएंगे और आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो जो आखिरी इंप्रेशन है वो गलत नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं मालूम है, किसी आंसर नहीं मालूम है तो बैड लक हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए। और खासतौर पर एक बार एक चीज़ और पूछते हैं सबसे पर्सन कि क्या कोई और ऐसा एरिया है जिसके बारे में आप चाहेंगे कि हम आपसे प्रश्न पूछें। अब अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो आप उसको पोलाइटली रिफ्यूज करेंगे, क्योंकि आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू है, या पता जो आपसे प्रश्न पूछा उसका आपने जवाब दे पाए तो अच्छा खासा बड़ा बड़ा काम जो है बढ़िया मिल जाएगा। तो अगर नहीं उत्तर आप दे पाए कोई आपकी प्रश्न का, तब आप जरूर वॉलंटियर करिए। हाँ सर मेरा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, या मेरा मैथमेटिक्स में, या केमिस्ट्री में, या पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आप वॉलंटियर कर सकते हैं। पर वॉलंटियर तभी करिए जब आपको लगता है कि आपके इंटरव्यू में अभी और गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की। अगर आपको लगता है बहुत बढ़िया ऑलरेडी हो गया तो कोई आवश्यकता नहीं, फिर आपको लाइक थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत प्रश्न, मुझे मैं संतुष्ट हूँ आपके प्रश्न से। इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग बात कर रहा था, मैं वापस उस पर आता हूँ कि इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वो आप बहुत अच्छी तरह। नंबर टू, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, हमारे भारतवर्ष के संबंध पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, इन सबके साथ क्या संबंध है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन चाहे आपने डीएसआर लिया है नहीं लिया है वो भी आपको अध्ययन करना आवश्यक है। फिर इंडिया एंड चाइना, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया यूएसएसआर, रशिया, आपको फॉरेन रिलेशंस के बारे में अच्छे। फिर उसके बाद रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड द इंस्टीट्यूशंस, तो रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इंस्टीट्यूशंस में यूनेस्को का क्या रोल है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का क्या मतलब है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, वर्ल्ड बैंक का क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का क्या है, डब्ल्यूएचओ का क्या रोल रहा है पैंडेमिक के दौरान में, तो ये सारी चीजें जो है आपको यूनाइटेड नेशन से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे से प्रश्न आप हो सकते हैं जिसके बारे में थोड़ा आपको मैंने फॉर एग्जांपल मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से मॉक्स भी लेता हूँ, उससे पहले यूपीएससी में, तो मैंने भी कोशिश करके हम लोग टाइबस क्वेश्चन तैयार करते हैं जो वहाँ पर हम लोग पूछते हैं। अब जैसे कि छोटी सी बात हो सकते हैं, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस देश के अंदर, अब बताइए कैसे क्या हमारी डेमोक्रेसी है। ओके मेन वो पिलर्स पता था, स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, चलिए स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ क्या हमारी डेमोक्रेसी क्या बनेगा, ओके सबमिशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, दैट इज वन, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट यस इलेक्शंस, रोल ऑफ मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, और यस द सिविल सोसाइटी अमेंडमेंट्स। सो यू कैन से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमारी डेमोक्रेसी का पिलर है, इवन स्ट्रेंथ है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। तो ये अक्सर लोग नहीं उस समय सोच पाते कि भाई हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, पिलर तो वो चार आपने बिल्कुल सही कहा, वो पिलर, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। एक प्रश्न जैसे कोई और पूछ लिया कि ग्लोबल लेवल पर क्या प्रॉब्लम है समय फेस किया, क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन, ओके आतंकवाद, टेररिज्म, बिल्कुल सही आतंकवाद है, हाँ शरणार्थियों की प्रॉब्लम, रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, क्लाइमेट चेंज हाँ हो गया, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज, हाँ सीमा विवाद, ओके और आप क्या कहते हैं, और डिस्प्यूट सीमा विवाद, बिल्कुल सही, और भी बात है पॉवर्टी, गरीबी है, ड्रग्स है, एड्स है, कोविड-19 डायनेमिक्स है, तो ये सब ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं। तो कई बार मैं ऐसे प्रश्न पूछ देता हूँ, अच्छा आपको क्या लगता है कि कोविड-19 के बाद हम लोग ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, तो उसका उदाहरण क्या, बाजार संरक्षण, हाँ बिल्कुल सही, बायलेटरल एग्रीमेंट्स, यस करेक्ट, बायलेटरल एग्रीमेंट्स, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, तो डी ग्लोबलाइजेशन, और फिर हम कहेंगे कि अच्छा भारत में डी ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण दीजिए, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो इस तरह से प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अच्छा ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर उसका सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लोबलाइजेशन, वॉट इज दैट मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकल फॉर लोकल इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पर मैं पूछ रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन है एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज ईयू, यूरोपियन यूनियन,
कॉमन करेंसी, नो बैरियर्स, टैरिफ रेट्स, इससे बड़ा क्या हो सकता है एग्जांपल? अब उसमें से ब्रेक्सिट हो गया, एक निकल गया, परंतु यूरोपियन यूनियन वाज एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड व्हिच इज दैट कंट्री, वो कंट्री कौन सी थी जिसने सबसे पहले कहना शुरू कर दिया कि हमारे देश के लोग नागरिकों के लिए सबसे बड़ा करना पहले बाकी देश बाद में? कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट जिसने कहा ये? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। और फिर धीरे धीरे उसको दूसरे देशों में भी, यूरोप के अंदर भी ये बात चलने लगी कि भाई हमारे देश के लोगों को सबसे पहले। और हमारे प्रधानमंत्री ने कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जो कि ये बता रहा कि नहीं, लोग पूरे विश्व में एक है, सुधार कुटुंब का वैक्सीन। तो ऐसे करके ना प्रश्न, ये मत सोचिएगा कि प्रश्न जो है बड़े नॉर्मल मंडेन, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एकदम अचानक आपको आ जाते, तो माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि किस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे से पूछे जा सकते हैं। तो क्लैरिटी होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, इस पर हम दोबारा आते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा अब आते हैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स। इकोनॉमिक पैरामीटर्स आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, इंपोर्ट्स कितने हैं, एक्सपोर्ट्स कितने हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन हमारी क्या है, है ना, जीडीपी ग्रोथ क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, करेंसी क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी बातों की जानकारी आपको। 10 रुपए के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं, 100 रुपए के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं, 1 रुपए किसके होते हैं, इस तरह की चीजें जो है। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में आपका क्या विचार था और मर्जर ऑफ बैंक्स के बारे में आपका क्या विचार है ना? एक मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, आपसे समय मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, उसमें एक एक पैराग्राफ में आपको जब से देश को स्वतंत्रता मिली है तब से जो महत्वपूर्ण पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है उसका नाम था 70 पॉलिसीज दैट शेप्ड इंडिया, 70 policies that shaped India, ये free download available है आपको Google के ऊपर, इसको download कर लीजिए। इसमें हर, इसमें nationalization भी है, coal mines के बारे में है, competition commission के बारे में भी है, इसमें आपका GDP का, ये GST के बारे में भी है, demonetization के बारे में भी है, जितनी policies अलग अलग decades में आई है, यानी कि 47 से 57, 57 से 67, 67 से 77, तो ये policies का एक एक paragraph आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि ये policies क्या है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हिंदू पर साइंटिफिक फैक्ट्स और ये 70 policies that shaped India, और इसके अलावा जो डिफरेंट बुक्स है उसके बारे में मुझे इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि आपके मेंटर्स जो है वो आपको वैसे ही बताते होंगे कि कौन कौन से बुक्स जो है, परंतु एथिक्स और इसे पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर होता है, तो एथिक्स और इसे को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि उसमें आपके ना मेंस में खासतौर पर अच्छे नंबर की पूरी संभावना है। अब लेट्स कम टू एनी क्वेश्चंस। आप पूछिए। सर मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं मास्टर्स किया है डबल, एक एमए उससे करके मैंने रिलेशन डाले सर।